जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा ही ज्वलंत सा मुद्दा कि ग्रुप डी एग्जाम में साइंस न्यूमेरिकल के लिए हम लोग क्या करें। जी हाँ, जितने भी ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि साइंस न्यूमेरिकल को कैसे टेक ऑफ किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। भाई मेरे, आप सबों को मैं सबसे पहले ये आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो साइंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल का होता है। और अगर आपने 10th और 12th करा है तो मेरे ख्याल से आप इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं होंगे कि यहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन लेवल बिल्कुल ही ईजी होता है, बस ज़रूरत है यहाँ पर आपको एक सही रणनीति की। अगर आप उस रणनीति के हिसाब से चलते हैं तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में भी आपका स्कोर 100% होगा। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका क्वांटिटी कितना होगा, यानी कि कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसका लेवल क्या होगा, और अगर उसका लेवल हमको पता चल जाएगा तो फिर हमको यहाँ पे ये डिस्कस करना होगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। तो मेरे मित्र, सबसे पहले तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके इस ग्रुप डी एग्जाम में जो साइंस के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा आपका 25 क्वेश्चन, जिसमें आपका फिजिक्स से भी क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री से भी होगा और बायो से भी होगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर आप ऑन एन एवरेज की भी बात करेंगे हर एक शिफ्ट की, तो आपको हर एक शिफ्ट में लगभग 4 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपका कहाँ से होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से होगा। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम के हर एक शिफ्ट की बात करेंगे तो उसमें आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और मेरे मित्र, यकीन मानो ये जो आपको 4 से 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही ईजी लेवल का होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मॉडरेट होगा गुरु जी। और ध्यान में रखिएगा, ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होंगे, बेसिक लेवल के होंगे। क्या होंगे? बेसिक लेवल के होंगे, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके पहले ही भयभीत हो जाते हैं, तो अगर आप जहाँ पे भी डरना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे फिर वो आपका डर बहुत बड़ा होते चला जाता है। तो आप हमेशा न्यूमेरिकल को लेकर के ना डरें, क्योंकि न्यूमेरिकल बिल्कुल ही ईजी सा चीज़ है। लोग भले ही इसको बहुत बड़ा आडंबर बना दें, लेकिन थोड़ा सा आप ही सोचो ना कि आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम देना है, ना कि जेई का एग्ज़ाम देना है। अगर हमको ग्रुप डी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी तो वो हमारा बिल्कुल ही 9th और 10th लेवल का होगा। अब हमसे 11th और 12th और जेई लेवल का तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि वो आपको ये चेक करना चाहता है कि आपका कैलकुलेटिव साइंस में कितना माइंड शार्प है। बस इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं होता है। आपको यहाँ पे जेई का पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ पे ग्रुप डी का पेपर सॉल्व करना है। तो पहला चीज़ तो आप सभी अपने मन से इस साइंस न्यूमेरिकल का डर निकालेंगे, और जब तक आप डर नहीं निकालेंगे तब तक आप इससे लड़ नहीं सकते हैं। और हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप डर जाएंगे तो फिर मर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ लाइफ में भी होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा हवा बना देते हो तो फिर वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिर आप सभी तो योद्धा हैं, तो इस न्यूमेरिकल से क्या डरना। तो आपको बस एक सही रणनीति मालूम हो जाए कि हमको हाँ न्यूमेरिकल के लिए ये सब चैप्टर पढ़ना है और हमको इतना ही पढ़ना है, तो फिर आप बादशाह बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब तो ठीक है, समझ रहे हैं हम, सांत्वना देने वाली बात हो जाती है क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो भाई मेरे, मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाना चाहूँगा और गारंटी के साथ बोलना चाहूँगा कि आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 टॉपिक बताऊँगा जो कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और इन सभी टॉपिक के अगर आपने बेसिक फार्मूला कर लिए और इस फार्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करना है इस चीज़ को सीख लिया, तो मेरे ख्याल से ग्रुप डी एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी वो टॉपिक कौन कौन सा होगा, तो आइए हम लोग एक नज़र टॉपिक पे भी दोहरा लेते हैं। मेरे मित्र, आपके ग्रुप डी एग्जाम में फिजिक्स से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपका फिजिक्स का इसी 7 चैप्टर से देखने को मिलेगा। और वो आपका चैप्टर कौन कौन सा है, तो पहला है आपका मोशन, दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा है ग्रेविटेशन, चौथा है वर्क एनर्जी एंड पावर, पांचवा है आपका वेव मोशन जिसमें हम लोग को साउंड के बारे में पढ़ना होता है, छठा है आपका लाइट और सातवां है आपका इलेक्ट्रिसिटी। बस इन्हीं 7ों चैप्टर से आपको ज़्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। हमको काम कहाँ पे करना है, तो गुरुजी इसी 7ों चैप्टर पे काम करना है। किस तरह का काम करना है, क्या इसको अब हम पूरा ग्रंथ लेकर के बैठ जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अब जब तक हम लोग इसको पूरा एकदम कंप्लीट नहीं करेंगे एक एक चैप्टर को तब तक हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग करते रह जाएंगे, ग्रुप डी एग्जाम भी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और हम लोग फिर हाथ पैर जोड़ करके आराम से घर में बैठे रहेंगे।
हमको इसके लिए ग्रंथ नहीं उल्टाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको यहां पे जेई लेवल का पढ़ाई नहीं करना है। यहां पे आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके डे टू डे लाइफ में क्या होता है तो सर घटित होते रहता है, बस वहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट होता है जिसको आपको समझना होता है, और वही स्पिरिट आपके एग्जाम के लिए क्या होता है तो गुरुजी मेन फोकस होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी क्या करेंगे कि इन सभी चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ जो भी फॉर्मूला है, इन सभी चैप्टर का जो भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला को याद कर लेंगे, और उस फॉर्मूला का क्वेश्चन पे किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है बस इस चीज को समझ लेना है, आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल का बेड़ा पार हो जाएगा और बिल्कुल ही आसानी से पार हो जाएगा। हमेशा माइंड में रखिएगा कि हमारे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल ही बेसिक लेवल का होगा और फॉर्मूला बेस्ड होगा। और मेरे मित्र, यकीन मानो कि अगर आपने इन सातों चैप्टर का फॉर्मूला अच्छे से याद करा है तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से अटेम्प्ट करोगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी सबसे बड़ा समस्या ये है कि इन सभी चैप्टर का एक साथ हमको फॉर्मूला नहीं मिलेगा और हम लोग कलेक्ट करते रह जाएंगे। तो पिछले 5-6 महीने से जो मैंने आपको क्लास करवाया है वो आपका ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल क्लास ही था, और मैंने इस क्लास कराने के दौरान आपको ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल भी कराया है जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर आप उस पूरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट में जो वीडियो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ उसको देख लेते हैं तो मैंने जो आपको यहाँ पे ये बताया है कि इस सातों चैप्टर का आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला का कैसे क्वेश्चन पे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप वहां पे जाकर के सीख सकते हैं, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको कुछ डाउट रह जाएगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप अपना डाउट भी दूर कर सकते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर फिजिक्स न्यूमेरिकल जो होगा उसको तो हम अब कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इन सभी चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रख लेते हैं और उस फॉर्मूला का क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इस चीज़ को सीख लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री तो हमारे लिए बर्डन हो जाएगा। भाई मेरे, केमिस्ट्री भी आपके लिए बर्डन नहीं होगा। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको 7 ऐसे चैप्टर को रिवीजन करना है, 7 ऐसे चैप्टर के फॉर्मूला और उसके कुछ बेसिक पॉइंट को समझना है जिसको आप लगातार बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं, और सिर्फ आप इसलिए डर रहे हैं कि जो चीज़ आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलती है उसको आप थ्योरी के रूप में इग्नोर कर देते हैं। तो आइए वो चैप्टर कौन कौन सा है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे मित्र, केमिस्ट्री से संबंधित जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपका इन्हीं सातों टॉपिक से होता है, यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री में इन सातों टॉपिक के बारे में एक बेसिक सा ज्ञान अपने पास रखा है, मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपका पहला टॉपिक कौन सा होता है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी कि समीकरण आपका कौन सा संतुलित होता है, कौन सा आपका असंतुलित होता है, और सिर्फ यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। साथ ही आपका अगला टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग हिंदी में अनुभार भी कहते हैं। तीसरा होता है आपका मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, यानी कि मोल संकल्पना और बिलियन। चौथा है आपका AMU यूनिट, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। छठा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और सातवां आपका गैसियस लॉ हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि इन सभी टॉपिक में आपको ज्यादा आडंबर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें समझनी है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका बैलेंसिंग इक्वेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सीख लेना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और आपका अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट। तो मेरे मित्र, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही आपका अगला है मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, मैंने इस पे भी न्यूमेरिकल वीडियो बनाया है, और उसका भी वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा तो जिस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसी प्लेलिस्ट में आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा। साथ ही ये आपका AMU यूनिट है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, इससे भी संबंधित 2-4 बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं जिसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये मैं आपको करवा दूंगा, ये मैं नहीं करवाया हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट है उसमें अभी और वीडियो जुड़ेगा जो कि आपके एग्जाम से पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग अब कर लेंगे। साथ ही नेक्स्ट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरे मित्र, ये आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पे आपको क्या समझना होता है, वैलेंसी समझना होता है, और वैलेंसी से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होता है, सेल नंबर समझना होता है, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये चीज समझना होता है। ये सारी चीजें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत सीख जाएंगे, और ध्यान में रखेंगे कि मैंने ये भी नहीं करवाया है, ये भी आपको
करा दूंगा। साथ ही नेक्स्ट आपका गैसियस लॉ बच जाता है, तो गैसियस लॉ के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो लॉ है वो याद रख लेना है और उसका कॉन्स्टेंट क्या है इसको ध्यान में रख लेना है, आपका काम बन जाएगा। भाई मेरे, अगर आपने इन 14 टॉपिक का एक बेसिक सा ज्ञान अपने पास रख लिया तो फिर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन सभी टॉपिक से बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, लेकिन टफ लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परेशान कर सकता है, तो आपको वहां भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक दो टफ क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कभी भी आप अपने मॉरल को ये डाउन नहीं कर लेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बना तो अब हमसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। ऐसा जैसे ही आप अपने मन में लाएंगे, आपका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहना है। न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ हलवा है। अगर आप इसको एक बार खाना शुरू कर दोगे तो फिर ये बहुत अच्छा लगने लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको समझोगे कि नहीं ये एक दवाई है, तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, तो गुरु जी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि न्यूमेरिकल आप आगे भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अभी आपके पास समय है, 60 दिन का समय है। आप चाहो तो इन सारे चीज़ों को 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, और मैंने इन सारे टॉपिक पे वीडियो लेक्चर दिया है, और जो भी आपका वीडियो लेक्चर बचा हुआ है मैं उसको जल्द से जल्द प्लेलिस्ट में अपडेट करने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। साथ ही अगर आप सारी चीजों को अच्छे से समझ गए हैं और न्यूमेरिकल के डर से आप बाहर आ गए हैं, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि उनके मन में जो साइंस न्यूमेरिकल को लेकर के डर है, ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के, वो निकल पाए और वो भी अपने तैयारी को एक नया आयाम दे पाए और अच्छा स्कोर कर पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।